हाय, मैं हूं संजीव त्यागी। क्राइम पेट्रोल के और एपिसोड्स के लिए सेट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने, क्राइम पेट्रोल सतर्क की इस नई श्रृंखला गुमराह बचपन में आपका स्वागत करती हूं। हमारे समाज में कामकाजी महिलाओं की चुनौतियां हर स्तर पे बड़ी होती है, चाहे वो महावारी के चार दिन हो या गर्भावस्था के 9 महीनों की शारीरिक पीड़ा। लेकिन इससे कई ज्यादा चुनौतीपूर्ण तो परिवार और बच्चों की परवरिश का जिम्मा होता है, जो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पे ज्यादा होता है, और इसमें हमेशा बैलेंस बनाए रखना आसान नहीं होता। संघर्ष की कहानी हम सबकी एक जैसी होती है, लेकिन ये तो इंसान पे निर्भर करता है कि उसकी जीवन शैली कैसी है। इंसान की एक कमी अक्सर दूसरी कमी को जन्म देती है, और इन कमियों का बढ़ता सिलसिला कभी कभी उस अनचाहे अपराध की ओर ले जाता है, जिसे हम कभी अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहते। लेकिन इस केस की व्यथा एक डरा देने वाला अनुभव है, जो सिर्फ एक इंसान और एक परिवार तक सीमित नहीं है। ये केस आज परिवारों और समाज पे हो रहे उस बुरे असर के प्रति हमें आगाह करता है, जो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही और गलती से ही पैदा हो रहे हैं। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे अनसुना करना हमारे परिवार और समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। मामला बहुत ही सेंसिटिव। इंटेलिजेंस का कहना है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्लीपर सेल्स पनप रहे हैं, जो किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम दे सकते हैं। हम इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। हमें करंट केसेस पे काम करने के साथ साथ हमारे एरिया में जितने भी होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, उनमें रुकने वालों की डिटेल्स डेली बेसिस पे वेरीफाई करनी होगी। और साथ ही पिछले 6 महीने में हमारे एरिया में जितने भी नए किराएदार आए हैं, शॉपकीपर्स आए हैं, या जो कोई भी संदिग्ध है, उनकी लिस्टिंग करनी होगी। ओके सर, हम ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। और याद रहे, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए कि इस दौरान हम इतनी एहतियात क्यों बरत रहे हैं। क्लियर सर? मूव। नमस्ते अंकल, मैं नितेश की फ्रेंड निम्मी। बोलो। वो अंकल, नितेश कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा है। वो यहाँ नहीं रहता, वो दुबई चला गया। क्या, दुबई? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, उसने तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। तो अब मैं बता रहा हूँ ना, चलो जाओ जाओ यहाँ। लेकिन नितेश, तुम आजकल इतने चुप चुप क्यों रहते हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? रिमी, जब मैं 7 साल का था, मेरे पेरेंट्स चल बसे, और मेरे चाचा, मैं उन्हें अब खलने लगा हूँ। मेरे साथ ऐसे बात करते हैं जैसे मुझे पढ़ाकर मुझ पर एहसान कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के लिए कहीं वो मुझे रास्ते से ना हटा दे। सर, ये वो वही घर है जहाँ पे वो लड़के 3 महीने से रह रहे हैं। उनकी गतिविधि काफ़ी सस्पिशियस है, और सर अभी 3 दिन पहले इस एरिया में एक कंसाइनमेंट आया है हथियारों का। मुझे शक है कि वो हथियार यही लाए गए हैं। पूरे घर की तलाश लो, देखो कुछ और मिलता है क्या। ओके सर। वर्मा सर, क्या देखो, पीछे का रास्ता खुला हुआ है, हो सकता है यहाँ पर और भी लोग हो जो इस रास्ते से भाग गए हो। एक टीम लेकर इस डायरेक्शन में जाओ, क्विक फास्ट। सर, सर
इतने हथियार? ये यहाँ कोई टेरर अटैक तो प्लान नहीं कर रहे थे? अच्छे से तला चलो, देखो कुछ और मिलता है क्या। क्विक सर। मम्मी ने कहा था ना पापा जल्दी आ जाएंगे पापा। मम्मी 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 भी आ जाएंगी। रुक रुक मैं कॉल करता हूँ। मम्मी हेलो। लगता है बॉर्डर पार से आए होंगे। सर वो मरने वाले क्रिमिनल्स की पहचान नहीं हो पाई और वो पीछे के दरवाजे से कौन भागा था ये भी पता नहीं चला। सर वो एक एनआरआई का घर है जो सालों से बंद पड़ा था, शायद इसीलिए उन क्रिमिनल्स ने उसे अपना अड्डा बना लिया। वो क्रिमिनल्स कौन थे, उनका मकसद क्या था और उस घर में इतने सारे लड़कों के फोटोग्राफ मिला, इन फोटो पर कोड लिखे हुए, हमें मारे गए क्रिमिनल्स के साथ साथ इन सबकी भी पहचान पता करनी है, हर शख्स को आइडेंटिफाई करना है और उस एनआरआई की बैकग्राउंड भी खंगालो जिसके घर में अड्डा बनाकर बैठे थे। ओके सर। सर सर एक लड़की आई है, उसकी माँ मिसिंग है सर, हमने उसकी कंप्लेंट भी लिख ली है लेकिन वो आपसे मिलने की जिद कर रही है। सर प्लीज मेरी मम्मी को जल्दी से ढूंढ दीजिए, मेरे पापा भी यहाँ नहीं रहते और तो और मेरे छोटे भाई की तबीयत भी खराब है, आप दोनों अकेले सर। बेटा बेटा बिल्कुल भी आप घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ बेटा, हम आपकी मम्मी को ढूंढ लेंगे। बेटा आपने अभी कहा कि आपके पापा यहाँ नहीं रहते, तो फिर कहाँ रहते हैं आपके पापा? वो मुंबई में जॉब करते तो उन्हें आने में टाइम लगेगा। अच्छा बेटा मैम आपकी मम्मी कहाँ गई थी जहाँ से वो वापस नहीं आई? मम्मी हरिनगर में एक फैक्ट्री में जॉब करती है, कल फैक्ट्री से वापस ही नहीं आई। और फिर कौन सी फैक्ट्री में जॉब करती है आपकी मम्मी? सर शीतल दीदी को लेके हम लोग बहुत परेशान हैं, कल दोपहर में वो हमारे साथ यही धरना कर रही थी मालिक के खिलाफ। धरना? जी सर, वो हमारा मालिक बहुत खराब इंसान है, उसने कल दीदी को समझौते के लिए कैबिन में भी बुलाया था, हमारे सामने ही दीदी अंदर गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। वापस नहीं लौटी मतलब? सर मालिक ने बोला कि वो चली गई लेकिन हम मान ही नहीं सकते दीदी हमसे बिना मिले चली गई। सर मैंने उन औरतों की शर्तें नहीं मानी तो कुछ भी मेरे लिए अनाप शनाप बोल रही है, बदनाम कर रही है मुझे। शीतल की बात, जैसा क्या हुआ था यहाँ पर जो गायब हो गई वो? सर उस दिन मैं यहाँ पे मुफ्त की सैलरी बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हारा फायदा करवा सकता हूँ। मैं समझौते की बात करने आई हूँ सर, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। क्या? एक मिनट। सर वो जैसे ही केबिन में आई उसका फोन बजा सर, ऐसे लगा जैसे कोई इमरजेंसी कॉल हो, वो फोन पे बात करते हुए केबिन से बाहर चली गई और लौट के आई नहीं सर। हमसे बिना पूछे शहर से बाहर मत जाना। यह आदमी मुझे शक्ल से ही कभी ना लग रहा है, इसके कारनामे पता करो और शीतल के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, चेक करो जैसे कि ये बोल रहा है शीतल को कोई कॉल आया था क्या जिस दरमियान वो यहाँ पर थी। और अब शीतल के घर पे एक लेडी कांस्टेबल तैनात कर, उसकी बेटी रिमी बोल रही थी कि वो और उसका भाई घर पर आ गए। ओके सर। विशु प्लीज खा ले, मम्मी आ जाएंगी। नहीं दीदी मुझे नहीं खाना। विशु प्लीज कुछ खा ले। नहीं खाना मुझे नहीं खाना। विशु रुक प्लीज। विशु पापा। बेटा विशु सर वो सलीम भाई और जावेद को तो पुलिस ने, लेकिन मैं ये C4 बचा लाया वहां से किसी तरह। शाबाश जुबैद, तुमसे यही उम्मीद थी। सर उस घर से मिली फोटोज में से ये लड़का आइडेंटिफाई हो चुका है, गोंडा थाने में इसकी मिसिंग कंप्लेंट भी है, लेकिन सर इसके दो नाम हैं, जीवन और जुबैद। दो नाम? सर वैसे तो इसका नाम जीवन ही था लेकिन अपनी फैमिली के अगेंस्ट दूसरी कम्युनिटी से इन्फ्लुएंस होकर ये कन्वर्ट हो गया
और अपना नाम जुबेद रख लिया। जब ये गायब हुआ था तो उसकी फैमिली ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, और सर उनका कहना है कि कोई इसे बरगला रहा था। कौन बरगला रहा था, कहाँ है इसकी फैमिली? सर इसकी फैमिली तो उसी दिन गायब हो गई थी जिस दिन वो दो क्रिमिनल्स क्रॉस फायरिंग में मारे गए थे। हो सकता है इस लड़के जुबेद की फैमिली को ये बात पता हो कि उनका बेटा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, इसलिए इंट्रोगेशन के डर की वजह से कहीं गायब हो गए। पॉसिबल है सर, पॉसिबल है। ये जितने भी लड़के हैं इन सबको जुबैद की तरह गुमराह किया गया हो, हमें इन सबकी पहचान पता करनी होगी ताकि हम इस टेरर ग्रुप के सरगना तक पहुंच सकें और उसका मकसद पता कर सकें। ओके सर, मैं कोशिश करता हूं। सर, सर शीतल का फोन फैक्ट्री से 2 किलोमीटर दूर चांदपुर के एरिया में बंद हुआ था। उसी दिन जिस दोपहर को वो फैक्ट्री में देखी गई थी, सर मैंने उसके फोन का IMEI नंबर ट्रेस करने के लिए भेज दिया। कपिल का कहना है कि उस दरमियान उस शीतल को किसी का कॉल आया था, पता क्या किसका कॉल था वो? जी सर, वो कॉल उसके पति के नंबर से आया था। हाँ सर, मैंने उस दिन शीतल को कॉल किया था। पहले तो उसने फोन कट कर दिया, जब मैंने उसे कॉल बैक किया तो उसने कहा मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। लेकिन सर शीतल ने कॉल बैक ही नहीं किया। बाद में रिमी ने मुझे फोन करके बताया कि उस दिन शीतल फैक्ट्री से घर ही नहीं आई थी। शीतल की फैक्ट्री के मालिक ने मुझे बताया कि तुम्हारे फोन के बाद शीतल पैनिक हो गई थी, जैसे उसे कोई बुरी खबर मिली हो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हें किसी पे शक है जो शीतल के साथ ऐसा कर सकता है? एक्चुअली सर मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ, लेकिन हाँ पिछले कुछ टाइम से शीतल विशु को लेकर काफ़ी परेशान थी। दरअसल कुछ ड्रग एडिक्ट लड़के हैं जो काफ़ी टाइम से विशु को बुली कर रहे थे। मुझे लगता है उन लड़कों ने ही शीतल के साथ कुछ। विशु बेटा, कौन लड़के थे वो जो परेशान कर रहे थे आपको? सो, अमन और उसका दोस्त मुन्ना पहले मेरे ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में ड्रग्स लेते हुए भी पकड़े गए थे। कहाँ रहते हो? उनका एड्रेस नहीं मालूम। आप हमें ये बता दो कि वो दोनों कहाँ पढ़ते थे, वहाँ से हम पता कर लेंगे एड्रेस। हाँ सर, रेनबो हाई स्कूल। एक्सक्यूज मी सर, चांदपुर इलाके के तालाब में एक औरत की लाश मिली। सर, लाश को पानी में तैरते देखकर गांव के लोगों ने फोन किया था। सर लाश पर ठीक वैसे ही कपड़े हैं। शीतल जिस फैक्ट्री में काम करती थी वो फैक्ट्री यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। फैक्ट्री के वर्कर्स ने फैक्ट्री के मालिक पर शक जताया। हो सकता है शीतल का मर्डर फैक्ट्री में किया गया और उसकी बॉडी को यहाँ तालाब में लाकर डंप कर दिया। सर आप बेकार में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। सर यहाँ कोई मर्डर नहीं हुआ सर। तो फिर शीतल को यहाँ नहीं, यहाँ से चांदपुर ले जाके मारा? मैं क्यों मारूंगा सर, मैं कह रहा हूँ ना सर, उस दिन वो बात करते हुए यहाँ से चली गई थी। एक्सक्यूज मी सर, इस जगह को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई मर्डर हुआ हो। अशोक सुन यार, मैं तुझसे कब से बात कर रही हूँ और तू ये गेम खेल रहा है। अरे तेरे गेम के लिए तुझसे दोस्ती की है। अच्छा तो अब ये गेम ही तुझे नहीं मिलेगा। अरे अरे सुन तो सुन, मैं तेरे गेम को ही नहीं तुझे भी लाइक करता हूँ। आई लव यू। क्या इतना चौंक क्या रही है? IIT थोड़ी ना बोला तुझे। तेरी औकात नहीं है मुझे लव करने की, समझा? अपने अब्बू से जाके मांग ये गेम। चल आजा मेरे साथ, गेम भी मिलेगा और लड़की भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शीतल के सर पर पत्थर के टुकड़ों के ट्रेसेस मिले हैं। मतलब पहले शीतल के सर पर पत्थर से वार किया गया। सर रिपोर्ट के मुताबिक तो शीतल मौत के पहले सेक्सुअली एक्टिव थी। सर हो सकता है कि उसका किसी ने रेप किया हो और लाश को तालाब में फेंकने की वजह से रेपिस्ट का DNA वाइप आउट हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेप कंफर्म नहीं करती है। अगर शीतल सेक्सुअली एक्टिव थी तो डेफिनेटली अफेयर चल रहा था उसका किसी के साथ, क्योंकि पिछले एक साल से उसका पति रोहित मुंबई में था। सर शीतल के कॉल रिकॉर्ड्स में इस भगत बिष्ट नाम के आदमी का नंबर मिला है, और सर जिस तरह से शीतल इसे फ्रीक्वेंटली कॉल किया करती थी, सर हो सकता है कि वो अफेयर इन दोनों के बीच में। भगत बिष्ट। अब्बू वीडियो गेम कब दिला रहे हो? पहले परीक्षा में 75% देकर के पास हो जाओ, फिर उसके बाद में जो मांगोगे वो दिला देंगे। 75%? इतने तो मेरे बाप के भी नहीं आएंगे कभी। अरे क्या कर रहे हो? बच्चा है? अरे ऊंट जैसा बड़ा हो गया और बच्चा है? अरे बैल जैसी बुद्धि लेकर घूम रहा है, गेम चाहिए इसे, गेम चाहिए। गलती की मैंने, उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी।
वो मुझे गेम भी दे रहा था और लड़की भी। लड़की? कौन से गुल खिला रहा है तू? कौन भर रहा है तुझे? ये क्या बोल रहे हैं सर? शीतल का मर्डर हो गया। क्या रिश्ता था तुम्हारा शीतल के साथ? सर वो मेरी कंपनी में सेल्स ट्रेडर थी और कुछ नहीं। पर शीतल तो हरिनगर के ग्राम सेवा गृह उद्योग में काम करती थी। हाँ सर, वो मेरी कंपनी के लिए पार्ट टाइम और जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं उसके लिए फुल टाइम काम करती थी। कैसा पार्ट टाइम जॉब? सर मेरी कंपनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है तो वो ऑर्डर्स लेके आती थी और बदले में उसे कमीशन भी देता था। हाँ सर, मम्मी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी सेल करती थी। कुछ सैंपल्स भी रखे हैं यहाँ, मैं लेकर आती हूँ। ये देखिए सर। बेटा अभी आप अंदर जाओ, हमें आपके पापा से कुछ बात करनी है। रोहित, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि शीतल सेक्सुअली एक्टिव थी। तुम तो यहाँ रह नहीं रहे थे पिछले एक साल से, तो क्या शीतल का अफेयर चल रहा था किसी के साथ? ये कैसी बात कर रहे हैं आप सर? शीतल का अफेयर? सर ये हो ही नहीं सकता। शायद किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की होगी सर। सर वो मुन्ना और अमन, उन्होंने मेरे विशु को भी मोलेस्ट किया था सर। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप उन दोनों को पकड़ के अंदर खींचे सर। सर हम शीतल के अफेयर की थ्योरी बना रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है उसके पति का मुंबई में अफेयर होगा। सर ये सरिता है, इसका नंबर हमें रोहित की सीडीआर में मिला, दोनों काफी टच में थे और शीतल की हत्या के 15 दिन पहले से सरिता का नंबर कनाडा में एक्टिव है। सरिता और शीतल के पति रोहित के बीच क्या चल रहा था ये सब कुछ अच्छे से पता करो। और एक्सक्यूज मी। सर रागी ने इस लाश को यहाँ पे देखा था। सर ये उसी लड़के जुनैद की लाश है जिसकी फोटो हमें उन लड़कों की फोटोज में मिली थी। हाँ शायद ये लड़का हमारे रडार में आ चुका था, इसी वजह से टेरर ग्रुप ने इसको मार दिया। इस टेरर ग्रुप को कौन रन कर रहा है, मकसद क्या है उनका, अभी तक हम ये भी पता नहीं लगा पाए। अच्छा इस लड़के के अलावा जो बाकी लड़के थे जिनके फोटोग्राफ लेते हैं उनकी पहचान पता करने के लिए क्या कर रहे हैं लोग? सर कोशिश तो जारी है। मुझे इस केस की कड़ी जल्द से जल्द चाहिए। ओके सर। मेरी फर्स्ट सैलरी से खरीदा मैंने तुम्हारे लिए। लेकिन नितेश तुमने कहा था कि जॉब के साथ साथ तुम कॉलेज नहीं छोड़ोगे। रिमी वो तब होता अगर मुझे पार्ट टाइम जॉब मिलती, लेकिन इस जॉब में मुझे फुल टाइम देना पड़ा। फुल टाइम जॉब? वैसे तुम क्या जॉब कर रहे हो? सर मैंने रोहित और सरिता के बारे में मुंबई से पता लगवाया है। सर वहां वो दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे और वो भी लिव इन में। मैं शीतल को कोई धोखा नहीं दे रहा था सर, बल्कि शीतल और मैं तो एक दूसरे को डाइवोर्स नहीं, तूने सरिता के लिए शीतल को रास्ते से हटा दिया और फिर सरिता को भेज दिया कनाडा। वो भी इन्वॉल्व थी ना शीतल के मर्डर में? जी नहीं सर, सर सरिता को कनाडा में जॉब मिल गई थी इसलिए वो वहां चली गई। शीतल के मर्डर के वक्त तू भी मुंबई में नहीं था? सर मैं किसी जरूरी काम से दिल्ली गया हुआ था। और मेरा यकीन कीजिए सर, शीतल और मैं सच में एक दूसरे से डाइवोर्स लेना चाहते थे। मैं जानती हूँ हमारे बीच झगड़े होते हैं, लेकिन मैंने आज तक आपके साथ कभी बेवफाई नहीं की, हमेशा अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की है। लेकिन आप है कि कभी... अब मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर रहा हूँ, डाइवोर्स दे दो मुझे। शीतल नहीं चाहती थी कि इसका असर हमारे बच्चों पे पड़े, इसलिए बिना डाइवोर्स के ही हम दोनों अलग हो गए, यही सच है सर। शीतल का सच तो उसी के साथ मर गया, लेकिन अब तू सच बोलेगा। एक सच सच बता, शीतल के साथ फोन पे क्या बात हुई थी तेरी? तूने जानबूझ कर शीतल को बाहर बुलाया और मरवा दिया उसको? ये सच नहीं है सर, बल्कि सच तो यह है कि सरिता मुझे छोड़ के कैनेडा चली गई और अब मैं शीतल की जिंदगी में वापस आना चाहता था सर। ये दुख की बात है कि मैं शीतल को ये कह ही नहीं पाया। शीतल लंबे समय से अपनी शादीशुदा जिंदगी को सफल बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दो लोगों का रिश्ता कभी एक की कोशिश से नहीं सुधर सकता।
क्या शीतल का गुनहगार उसका पति था या शीतल के उस साहस को आघात पहुंचाया गया था जहां वो अपने बॉस कपिल के अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही थी, या ये उस कोशिश का दुखद परिणाम था जहां शीतल मुन्ना जैसे ड्रग पेडलर के खिलाफ खड़े होकर युवा पीढ़ी को ड्रग्स के अंधकार से दूर रखना चाहती थी। लेकिन इन एंगल्स के अलावा नितेश के गायब होने का रहस्य भी अभी तक अनसुलझा था। वहीं पुलिस ने एक टेरर ग्रुप के खिलाफ भी एक मुहिम छेड़ी हुई थी और इसमें ऐसे कई खुलासे होने वाले थे जो चौंकाने वाले थे। सर, जिन लड़कों की फोटोज हमें मिली है उनमें से ये एक लड़का नितेश इसी इलाके में रहता है। शीतल की बेटी रिम्मी के साथ पढ़ता है और शीतल के घर इसका काफी आना जाना भी था। हाँ सर, नितेश मेरा अच्छा दोस्त था। मैं काफी दिनों से उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कुछ पता नहीं चला। हमें शक है कि नितेश एक टेरर ग्रुप से जुड़ा था। नहीं सर, वो तो बोलता था कि उसे अपने चाचा से खतरा है। उसके चाचा ने उसके पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टी हत्या ली थी। चाचा वो मेरी दुबई में जॉब लगी है इसलिए। सीधे सीधे बोल, तू नितेश किसके लिए काम करते हो? किसी के लिए काम नहीं करता सर। अगर घर में कुछ नहीं मिला तुझे याद दिलवाते हैं सब कुछ। मनीष लेके चलो इसको। चलेगा? क्या हुआ बे, खाना क्यों नहीं खा रहा है? आपके मार से पेट भर गया। तो क्या हुआ, अब्बू है तुम्हारे? हाँ तो फिर भी गेम नहीं दिला रहे ना? कोई नहीं, ये जमीन जायदाद तो दादू की है ना, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए इसमें से। हिस्सा? ये कौन सा बर रहा है तेरे दिमाग में? पानी पीजिए। सर मानता हूँ विशु की मम्मी ने हम दोनों को अंदर करवाने की कोशिश की थी पर हमने नहीं मारा उन्हें। तू और तेरा दोस्त अमन? नहीं सर, वो तो हमारे पैसे नहीं दे रहा था तो हम बस डरा रहे थे उसे। सर किस बात के पैसे? हमने सर उसे माल बेचा था तो। विशु ड्रग्स लेता था उसकी मम्मी के साथ? सर हमने कुछ नहीं किया सर। ये जब तक सच नहीं खुले ना। नहीं सर। बेटा आप ड्रग लेते थे? बोलो बेटा। सर विशु ने उस दिन के बाद से कभी ड्रग्स नहीं ली। विशु बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन बेटा अमन का पता नहीं चला है मैं अभी तक। आपको पता है कहाँ है अमन? हाँ मनीष। सर नितेश का मर्डर हुआ था। नितेश का मर्डर हुआ है? जी सर, करीब 1.5 महीने पहले मुजफ्फरनगर पुलिस को एक अनआइडेंटिफाइड लाश मिली थी। सर उस वक्त उस लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई थी तो उनको उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। लेकिन जब हमने नितेश का फोटो सर्कुलेट किया तो मुजफ्फरनगर पुलिस ने हमको ये अपडेट दी। हम नितेश को टेरर ग्रुप से जुड़ा हुआ मानकर चल रहे थे। पॉसिबल है जिस वजह से जुबैद का मर्डर हुआ उसी वजह से नितेश का भी मर्डर हुआ हो। नितेश वो शीतल का हत्यारा तो हो ही नहीं सकता था लेकिन अब कई नए सवाल उठे थे। नितेश की हत्या किसने की? क्या नितेश का हत्यारा ही शीतल का हत्यारा हो सकता है? क्या ये दोनों अलग अलग मर्डर केस हैं और पुलिस इन दोनों केसेस को जोड़ के कोई गलती तो नहीं कर रही थी? सर साइबर सेल से एक इन्फॉर्मेशन आई है, हमने शीतल के मोबाइल के IMEI नंबर को ट्रेस पे डाला। सर उसके उस फोन में किसी दूसरे नंबर की सिम एक्टिव हुई है। किसके नाम पर रजिस्टर्ड है वो सिम? सर एक मोबाइल शॉप के ऑनर के नाम। सर मैंने तो ये फोन बेचने के लिए खरीदा था, ये टूटा हुआ था, मैंने इसे रिपेयर किया और सिर्फ चेक करने के लिए अपनी सिम डाली थी बस सर। किसे खरीदा था? एक कचरा बीनने वाला था, उसने कहा कि उसे ये फोन कहीं पड़ा हुआ मिला था, मैंने सस्ते में खरीद लिया सर। कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम सर। सर मैंने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा। चल थाने चल, सब पता चल जाएगा। नहीं सर, अभिषेक चल। सर लेकिन मैंने क्या किया?
सर मोबाइल शॉप ऑनर ने रैक पिकर का ये स्केच बनवाया है। कहना मुश्किल है कि ये आदमी एग्जिस्ट भी करता है। वो शायद हमें घुमा रहा है। नितेश के चाचा के खिलाफ भी कुछ नहीं मिल रहा है। क्या शीतल का मर्डर केस वाकई में टेरर ग्रुप से कनेक्टेड हो सकता है? सर नितेश के केस में एक और बात बड़ी अटपटी है। नितेश का फोन ऑफ हुआ था सहारनपुर के जमुना मार्केट के आसपास और उसकी लाश मिली मुजफ्फरनगर में जो यहाँ से काफी दूर है। अगर हम ये मान लें कि नितेश को मारने के बाद उसकी लाश को मुजफ्फरनगर में डंप किया गया और फोन बंद हुआ था उसका जमुना मार्केट में, मतलब हो सकता है नितेश का मर्डर जमुना मार्केट के आसपास ही हुआ हो। वर्मा, जमुना मार्केट के आसपास जितने भी सीसीटीवी है सब खंगालो, लीड वहीं से मिलेंगी। ओके सर। सर 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 ये कॉस्मेटिक बिजनेस वाला भगत बिष्ट, सर ये अपना ऑफिस बंद करके पता नहीं कहाँ भाग गया। व्हाट? ज्योति नगर में अकेला रहता था और अब इसके घर पे भी ताला लगा हुआ है। हम मान कर चल रहे थे कि शीतल के साथ उसका अफेयर और वो बैकग्राउंड खंगालो इसके। सर बेटा तुम लोग सोच रहे थे कि तुम्हारे पापा मुंबई जॉब के लिए गए, लेकिन मैं तुम लोगों से बहुत दूर चला गया था बेटा, अलग हो गया था। मैं मानता हूं मैं भटक गया था, लेकिन ये सच है कि बेटा मैं तुम लोगों के पास वापस आना चाहता था। काश कि मैं पहले वापस आ जाता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अपने पापा को माफ कर दो। सर हमने शीतल की मोबाइल का डेटा रिट्रीव करवाया है, उसमें एक MMS मिला है। ले करो। श्योर। शीतल के नंबर पर एक फेक आईडी के नंबर से भेजा गया था। इसमें लड़के और लड़की दोनों का फेस मिला। अगर ये MMS फेक आईडी के नंबर से भेजा गया है तो क्या शीतल को कोई ब्लैकमेल कर रहा था? लेकिन सर इस वीडियो को देखकर ये क्लियर नहीं है कि ये शीतल ही होगी। अगर ये शीतल नहीं है तो फिर ये दोनों है। सर भगत का फोटो हमने हर जगह सर्कुलेट किया था, भोपाल से इसकी एक हिस्ट्री मिली। सर इसका असली नाम भगत नहीं अशफाक है। सर दो महीने बाद जब इस क्राइम का खुलासा हुआ तो भोपाल पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया था, लेकिन सर उम्र कम होने के कारण इसे जुवेनाइल होम भेजा गया। लेकिन सर ये वहाँ से भी भाग गया था, उसके बाद से ये अंडरग्राउंड था। इसका लेटेस्ट फोटो भोपाल पुलिस के हाथ तब लगा जब ये नाम बदल कर भोपाल में अपने एक दोस्त से मिलने गया था, लेकिन सर ये तब भी पकड़ा नहीं गया था। ये नाम बदल कर कॉस्मेटिक का धंधा कर रहा था। एक हिस्ट्री शीटर के पास इतना सारा पैसा, जाहिर सी बात है इसने इससे पहले भी बड़े बड़े कांड किए होंगे। इसका जो भोपाल का दोस्त है उसका पता करो, हो सकता है अभी भी उसके टच में हो। सर सर जमुना मार्केट की वाइन शॉप की फुटेज में नितेश शीतल के बेटे के साथ कैप्चर हुआ था और उसकी फोन की लास्ट लोकेशन भी यहीं की थी। विशु बेटा, जिस दिन तुम जमुना मार्केट में नितेश के साथ थे उसी दिन मर्डर हुआ उसका। किसने मारा उसको? मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ लेकिन उसको मारा किसने? अच्छा ये बताओ कि तुम जमुना मार्केट से नितेश के साथ कहाँ गए थे? देखो तुम। सर मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। लेकिन वो जानता है, बस बता नहीं रहा है। रमेशा के वो नितेश के मर्डर में भी इन्वॉल्व है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरे बेटे विशु ने किसी को नहीं मारा है। लेकिन हाँ, मैंने आपसे एक झूठ जरूर बोला था सर। उस दिन मेरी शीतल से बात हुई थी। क्या बात हुई थी? मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। एक मिनट शीतल, रिमी ने मुझे कॉल किया था। रो रो के बोल रही थी कि पापा आप वापस आ जाओ, मम्मी बहुत गंदी है। बात क्या है? क्या? एक मिनट एक मिनट। सर शीतल ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बोली खुद रिमी से बात करके बताएगी। बात क्या थी लेकिन? रिमी ने तो बताया होगा ना तुम्हें? सर मैंने रिमी से भी बहुत पूछा लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया। एक्चुअली यही कारण था कि मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। सर मैं नहीं चाहता था कि आप लोग मेरी बेटी रिमी को परेशान करें। सर सर अशफाक और भगत के भोपाल वाले दोस्त का एक घर वहां भी है, इस एरिया में NRI का घर है। तोड़ो।
मैंने अपने माँ बाप को नहीं निकला, मेरे बाप ने मुझे निकला है। ऊंट, गधा, बैल बुद्धि। अरे बच्चे के पढ़ाई में नंबर कम आते थे तो क्या एक वीडियो गेम नहीं दिला सकता था? तूने सिर्फ एक खिलौने के लिए अपने माँ बाप को मार डाला? नहीं, कहानी इतनी छोटी भी नहीं थी। देखा, अपने पापा से गेम मांग के तुझे क्या मिला? बोल रहा हूँ ना मैं, चल मेरे साथ। गेम लड़की क्या है, तू जो मांगेगा सब कुछ मिलेगा। वो बागी मुझे अपनी गैंग में शामिल करना चाहता था। वो बोला कि कौन से अब माँ बाप अपने बच्चे को इस तरह से पीटते हैं। 18 साल की उम्र में मुझे तमंचा थमा दिया। उसी तमंचे से मैंने एक सुनार का सर खोला और अपनी गैंग के साथ मिलकर सारा सोना लूट लिया था। बड़ा हुआ तो सरगना बन गया उनका। जिस तरह उस बागी ने तुझे गुमराह किया था, तू भी बच्चों को गुमराह करने लगा। और वो NRI का खाली कर देख के अड्डा बना लिया वहाँ पे अपना। हाँ, और जब आप लोगों ने वहाँ रेड मारी तो जुबैद सारा माल बचा करके मेरे पास आ गया। हथियार कहाँ से आते थे, किसको सप्लाई होते थे? ये हथियार हिंदुस्तान के बाहर से आते थे और हिंदुस्तान के हर एक कोने में सप्लाई होते थे। सप्लाई में बच्चे सेफ होते हैं क्योंकि उन पर कोई शक नहीं करता है, तो बस मैंने उन्हीं का इस्तेमाल किया। उन्हीं बच्चों से तो उनका नाम छीन लेता, कॉडवर्ड देता उनको। शीतल भी इन्वॉल्व थी इसमें? नहीं, मैंने अपने काले धंधे छुपाने के लिए कॉस्मेटिक का धंधा शुरू किया। शीतल तो वहाँ ट्रेडर बनकर आई थी और अपना दिल मुझे गिरवी दे बैठी। बस मैं शीतल में अपने बचपन की गर्लफ्रेंड गुड़िया काक्स ढूंढता रहा। नितेश कैसा आया तेरे ग्रुप में? वो तो जरूरत का मारा था बेचारा। जब शीतल ने मुझे उसके जॉब के लिए कहा तो मैंने उसे दुबई जाने का लालच दिया। बस फिर क्या था, वो मेरे सारे काले धंधे करने लगा और मैं शीतल के साथ मजे करने लगा। भगवान, हम शायद गलत कर रहे हैं। जो चीज़ अच्छी लगे वो कभी गलत नहीं हो सकती है शीतल। और वैसे भी तुम्हारे पति ने तो तुम्हें छोड़ ही दिया है, तो जब वो ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? वो मुझसे ही चक रही थी लेकिन अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को अपना सब कुछ दे बैठी। शीतल और नितेश के बीच शारीरिक संबंध थे? अभी तो नितेश की जल गई थी। देख लिया वीडियो, इस बार तो फेसेस ब्लर किए हैं। अगर तूने भगत को नहीं छोड़ा, अगली बार बिना ब्लर किए तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। शीतल ने मुझे सब कुछ बता दिया था। अगर वो वीडियो वायरल हो जाता तो मेरे सारे काले धंधे बाहर आ जाते। तभी मैंने उसे खत्म करने की सोची लेकिन वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। फिर मैंने एक ट्रैप रचा। ये नितेश तेरी मम्मी को ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी बात जरा ध्यान से सुन, तुझे अपने बेटे होने का फर्ज निभाना है। किसी भी तरह से उस नितेश को अपने साथ ले आ, बाकी सब मैं देख लूंगा। और फिर तो शीतल को भी तूने? नहीं, शीतल को मैंने नहीं मारा। मुझे लगता है कि उसके पति को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था, तो शायद उसी ने उसको। अगर तूने सर एक मिनट, सर शीतल की फोन की मैसेज हिस्ट्री मैंने रिट्रीव की, ये देखिए सर। रिमी और शीतल के बीच हत्या वाले दिन ये सारे मैसेजेस पास ऑन हुए थे। तुम अपनी मम्मी को मारने के बाद उन्हीं की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाने हमारे पास आए थे, क्योंकि उन्होंने मेरे दोस्त नितेश के साथ। मम्मी, मम्मी, मैं नितेश के लिए एक महीने से परेशान थी और फिर मैंने मम्मी के मैसेज हिस्ट्री और कुछ वीडियोस देखे। मैं समझ गई थी कि उनका मुझे बहुत गुस्सा है, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने पापा को फोन कर दिया था, फिर पापा ने मम्मी को कॉल किया और मम्मी मुझे कॉल कर रही थी, पर मैंने उनका फोन नहीं उठाया, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया। मैसेज करके फैक्ट्री के पास चांदपुर बुलाया, बोली वही बात करेंगी मुझसे। क्या है बेटा? मैं बहुत बुरी हूँ, खुद की नजरों में गिर चुकी हूँ, मुझे माफ कर। नाटक बंद करो आप, मुझे बस इतना बता दो नितेश कहाँ है। नितेश? मुझे नहीं पता। क्यों, मार दिया ना उसको? रिमी? नहीं बेटा, आपका कोई भरोसा नहीं।
बच्चों को सही परवरिश देना शायद दुनिया का सबसे कठिन काम है। खुशहाल परिवार की परिभाषा स्वस्थ और सफल बच्चों के बिना कभी पूरी हो ही नहीं सकती, और फैमिली डिसफंक्शनल हो तो वहां बच्चों के भटकने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। शीतल और उसके पति से भी यही चूक हुई। अपनी फिजिकल और इमोशनल नीड्स को पूरा करने की उनकी मृग तृष्णा उन्हें तो ले डूबी ही, पर उनके बच्चे भी अपराध के अंधकूप में खो गए। एक सजग माता पिता को हर पल ये ध्यान रखना पड़ता है उनके बच्चे किसके संग उठते बैठते हैं, वो क्या देखते पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे उनकी गतिविधि, उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या हैं। अगर आप माता पिता हैं तो सोचिए, जितना वक्त आप अपने बच्चों को दे रहे हैं क्या वो पर्याप्त हैं, क्या वो सही राह पे हैं। क्योंकि पेरेंटिंग इज अ 24-hour जॉब। ये दुनिया का सबसे अहम और जिम्मेदारी भरा काम है। ये पार्ट टाइम जॉब तो हो ही नहीं सकता। तो अब मैं रेणुका शाहणे आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।